हाय गाइस, कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो आज हम उस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका जो ट्रेलर है उसे कुछ समय पहले रिलीज कराया गया है हमारे सामने में, और जिसे देख के काफी अच्छा इंटेंस हमें जो फील हो रहा है ट्रेलर में उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। तो बात कर रहे हैं जो हम जिस मूवी का ट्रेलर की, तो वो है लव हॉस्टल। और इस जो ट्रेलर निकल के आया ना, इसका मैं काफी दिनों से इंतजार कर रहा था दोस्तों। इस फिल्म का मैं काफी दिनों से इंतजार कर रहा था क्योंकि इसमें जो बॉबी देओल सर ने जो काम किया ना, और जो सुन के आई थी कि उसकी जो कैरेक्टर है वो कुछ डिफरेंट वे में नजर आने वाली है हमारे सामने में, वो बेहतरीन लेवल की यार। मैंने ट्रेलर देखा, माइंड ब्लोइंग, मतलब क्या उन्होंने काम किया है। किल इट, मतलब कि पहली बार हम लोगों ने एक बार भी ऐसा सीन नहीं किया, उसके जो कैरेक्टर उन्होंने इस बार जो प्ले कर रहे हैं, क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं यार जिस कैरेक्टर को कर रहे हैं, मतलब कि बेहतरीन लग रही है। उसके बाद उनके साथ में और हैं, विक्रांत हैं और सानिया जी हैं। उनके बाद में जो बीच में लव स्टोरी चल रही है उसी के दौरान जो कहानी है, अगर मैं बेसिकली कहूँ ना वन लाइन पे, तो वॉलटाइल जर्नी टाइप सी है जो पूरी जर्नी एक लव मेकिंग जो बिहाइंड यंग कपल के बीच में हो रही है, इसी के आसपास अराउंड ये स्टोरी चल रही है। बात करें उस ट्रेलर की जिसे हमारे सामने में प्रेजेंट किया गया, तो उससे कुछ बातें जो निकल के आ रही हैं कि जो सानिया और विक्रांत है दोनों हैं प्यार में पड़े हुए हैं, जहां पर प्यार के नाम पे जो जंग चलेगी ना, इसकी अराउंड में पूरी स्टोरी है। मतलब कि ये दोनों शादी करने के लिए घर से जो यंग कपल हैं वो निकलते हैं घर से भाग कर बाहर, उसके बाद जर्नी होने वाली है इनकी प्यार की और ये जंग की, इसी पे पूरी ये मतलब स्टोरी बेस्ड है। बेबी देओल सर की जब एंट्री होती है, उनकी जो सीन्स जो इसमें लगाए गए हैं काबिले तारीफ है, और काबिले तारीफ इन्होंने काम किया है। अब देखते हैं मतलब कि क्या निकल के आती है मूवी। 25 तारीख को ये रिलीज हो रही है G5 के ऑफिशियल जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, तो वो आने पर मैं आप लोगों को देख के जरूर बताऊंगा, उसकी जो डिटेल्ड रिव्यू होगी वो तो मैं आप लोगों को जरूर बताएंगे। और बने रहिएगा मेरे चैनल पर दोस्तों। बाय बाय, खबर खैर, और मेरे चैनल के बनने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।